हेलो गुड इवनिंग, मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को एक नया पॉइंट पढ़ाने वाला हूं। और जैसा आप लोगों को पता है कि पिछली क्लास में कल इवनिंग में भी आपने वीडियो देखा होगा, इवनिंग में 6 बजे आपके पास वीडियो आ जाता होगा, तो आपने देखा था कि हम लोग टेंजेंट के बारे में पढ़ रहे थे और टेंजेंट को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि टेंजेंट थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है और उस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग टेंजेंट्स का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ 2 या 3 छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में मैं आप लोगों को समझा चुका था। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पर हो, काफ़ी डिटेल से काफ़ी अच्छे से समझाया था। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ एक नया पॉइंट। देखिए, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्किल के बाहर है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर सर्किल के बाहर स्थित है, इस प्रकार से कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्किल के बाहर स्थित है, मतलब ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड सर्किल की सर्कमफ्रेंस को टच करें, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएँ जो हैं वो वृत्त को अगर टच करें, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, वृत्त के परिधि को अगर टच करें, तो उसका कोई भी नाम नहीं होता। जैसे वर्टेक्स टच करें, कल कोई क्लास में मैंने बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसे इसका कोई फिक्स नाम तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड अपने पास 2 थ्योरम्स हैं। और जो अगले मैं पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, आपको 6 या 7 पॉइंट पढ़ाऊँगा, प्रत्येक में साथ साथ 2-2 पॉइंट्स आप लोगों को मैं समझाते हुए चलूँगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट नंबर ए। टेंजेंट में ए बी सी डी ऐसे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लो इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी। ध्यान रखना, पहली थ्योरम इससे रिलेटेड ये है और दोनों ही मैं समझाऊंगा। कैसे आया ये चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ, ऐसा आपको पता होगा। सिर्फ आप लोग अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए, जिससे आप लोगों को जो भी मैं समझाऊं वो आपको अच्छे से और कम्प्लीटली समझ में आए। इसके लिए तो ध्यान रखना, इसके द्वारा सेंटर पर बना जो एंगल होता है, ये और ये अपने पास है और ये है, ये वाला एंगल मान लीजिए x है और ये वाला एंगल मान लीजिए y है। तो ध्यान रखना, सेंटर पर बने अपोजिट एंगल्स का सम एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री। और आप लोगों को पता होगा कि जो भी क्लास में क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं, जहां क्लास में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, वो क्वेश्चंस मैं आपको इस चैनल पर बताते रहता हूँ, ताकि आप लोग जहाँ भी बैठे हो सकता है वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा हो, तो आप लोग आसानी से समझ पाओ। ध्यान देना, यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बराबर होते हैं। ध्यान रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बन रहे, ये हम लोगों ने वर्टेक्स को सेंटर से मिलाया। वर्टिकली अपोजिट एंगल स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, ये इधर स्ट्रेट यहाँ पर जाएगा इस प्रकार से, और इधर स्ट्रेट ये यहाँ पर होगा इस प्रकार से। ये होगा x है तो ये x होगा, कंप्लीट y है तो एंगल x प्लस एंगल y का सम 180 डिग्री होता है। और दूसरी इससे रिलेटेड जो थ्योरम है, अपोजिट साइड्स का सम AB प्लस CD, विपरीत भुजाओं का योग, AB प्लस CD अपोजिट साइड्स का सम जो होता है वो ऑलवेज अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है, BC प्लस AD के बराबर होगा, BC प्लस AD के बराबर होगा। अपोजिट साइड्स का सम ऑलवेज अपोजिट साइड्स के सम के इक्वल होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और दोनों आए कैसे वो पॉइंट तो मैं समझाऊंगा, लेकिन ये चीज़ याद रखना, इस पर बेस्ड कई बार अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये याद रखना। देखो, मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की कि कैसे है। दोनों पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, लिख लिए होंगे आपने, दोनों पॉइंट लिख लेना। मैंने कहा इस टाइप से जो थ्योरी है आपको किसी भी बुक या नोटबुक या इस टाइप से नहीं मिलेगी, तो आप लोग कंप्लीट कोशिश करना इसको समझने की और साथ साथ लिखते चलना, नोट्स जरूर बनाना। यदि कोई भी अपने पास क्वाड्रिलेटरल, दोनों पॉइंट मैं समझाऊंगा, यदि कोई भी क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टेक्स सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करें, इसको अगर टच करें इस प्रकार से, तो ये ए बी सी और डी, ये अंदर की तरफ कोई भी पॉइंट अपने पास ओ मान लीजिए, ये अंदर इसका सेंटर है, कोई भी पॉइंट नहीं है, सर्कल का सेंटर ओ है, और इनको अगर मिला दिया जाए तो सेंटर पर बने अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों हुआ, वो मैं आप लोगों को सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम देते हैं, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है और ये पॉइंट एस है, इनको इससे मिला दो, R से O को, S से O को, और इन सभी को आप लोग मिला दीजिए, इनको आप लोग टच कर दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको आप लोग इससे मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, और इसको इससे मिला दीजिए, और इनको नाम दे दो, इस एंगल को नाम दे दो 1 नंबर, इसको नाम दे दीजिए 2 नंबर, इसको नाम दे दो 3, इसको 4, ये नाम दे दो 5, ये 6, ये 7 और ये 8, या ABCDEFGH जो आप देना चाहो दे सकते हो। तो ध्यान रखना, एंगल 1
आप लोग ये याद रखना, यहाँ पर जो अपने पास एंगल एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, एंगल एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच, चार बीच में चार भी है ना, चार प्लस पाँच प्लस छः प्लस सात प्लस आठ, एक सेंटर पर बने सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। एक दो तीन चार, एक पॉइंट पर बने सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, ऐसा आप लोगों को पता है। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, मुझे बताइए एक ही जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर, रेडियस हमेशा इक्वल होती है ही, और ये अपने पास बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर, तो क्या आर ओ डी और अपने पास एस ओ डी दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल एक जो है वो बराबर होगा दो के। ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं तीन जो है वो बराबर होगा चार के, क्यों, एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट बराबर, कल की क्लास में समझा दिया है, एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट्स की लेंथ बराबर, अपने पास ऐसे ये इसके बराबर, रेडियस बराबर, बीच वाले कॉमन होने के कारण बराबर। ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं पाँच बराबर होगा छः के, और ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि सात जो है वो बराबर होगा आठ के। ये वैल्यू आप लोग एक की जगह जो दो है उसकी जगह एक लिख सकते हो, तो एंगल एक प्लस एंगल एक, तीन की जगह आप लोग चार लिख सकते हो, तो एंगल चार प्लस एंगल चार, पाँच बाद में लिख लेना, गलती से मैंने पहले लिख लिया, पाँच की जगह पाँच है ही, आप लोग छः की जगह भी एंगल पाँच लिख सकते हो, छः की जगह एंगल पाँच लिख सकते हो, एंगल सात की जगह भी आप लोग एंगल आठ लिख लो, एंगल आठ है ही बराबर 360 डिग्री। दो बार एंगल एक आ गया, दो बार चार आ गया, एक प्लस चार प्लस पाँच प्लस आठ इक्वल्स टू 360 डिग्री है, तो दो का आप लोग भाग दे दीजिए, तो एक प्लस चार प्लस पाँच प्लस आठ जो है वो अपने पास आ गया 180 डिग्री। और यही तो हमें प्रूव करना था कि एक आठ और अक्स, इसको अक्स मान लिया था एक और आठ को, और इसको वाई मान लिया था, इसको अक्स माना था एक और चार को, और इसको वाई माना था बराबर 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कैसे आया, जो भी पॉइंट मैं सर्किल में समझाऊंगा, ये छः या सात पॉइंट हैं, और इसको आप लोग कंप्लीट देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर एक भी क्वेश्चन इन पर बेस्ड आपके सामने 100% आने वाला है। देखो आप लोगों को पता होगा कि एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, तो डी आर जो है, डी से आर जो है वो बराबर होगा किसके, डी एस के, डी से आर जो है वो बराबर होगा डी एस के। ऐसे इधर वाला आर से सी जो है, आर से सी जो है वो बराबर होगा सी क्यू के, आर से सी सी क्यू के बराबर होगा। ऐसे ही अपने पास डी आर इसके बराबर है, ऐसे ही ए पी जो है वो ए एस के बराबर होगा, ए पी जो है वो ए एस के बराबर होगा, और ऐसे ही अपने पास बी पी जो है वो बराबर होगा किसके, बी क्यू के। एक ही जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, एक ही जगह से डालेगी स्पर्श रेखा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर। कल की क्लास में, पिछले वीडियो में ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, ऐड कर दो दोनों तरफ, इधर भी ऐड कर दो, डी आर प्लस आर सी प्लस ए पी प्लस बी पी बराबर होगा, इनको ऐड कर दो, डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी क्यू, तो डी आर प्लस आर सी क्या लिख सकते हो, डी आर प्लस आर सी को आप लोग कंप्लीट आर सी लिख सकते हो, और ए पी प्लस बी पी को आप लोग ए बी लिख सकते हो, डी सी लिख सकते हो ना, इसको डी आर प्लस आर सी को कंप्लीट डी सी लिख सकते हो। ऐसे ही इधर वाला जो डी एस प्लस डी से एस, डी एस प्लस ए एस को, डी एस प्लस ए एस को, इसको तो लिख सकते हो आप लोग ए डी लिख सकते हो, और आगे वाला जो बचा अपने पास सी क्यू प्लस बी क्यू, इसको आप लोग बी सी लिख सकते हो। और यही दूसरा पॉइंट मैंने सिखाया था आप लोगों को, क्या आप लोगों को अभी भी मैंने बताया कि अपोजिट साइड्स का सम हमेशा अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है, इसको आप लोग ध्यान रखना। इन पर छोटे छोटे क्वेश्चंस या अच्छा क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस पॉइंट पर बेस्ड, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है इस टाइप से, अपने पास लिखा हुआ है, देखिए जैसे यूं बोल देगा कि इसके बाहर से क्वाड्रिलेटरल है, ये देखो ए
बी सी और डी आसान से क्वेश्चन, एकदम आसान। मैं वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये मान लो अपने पास सेंटर पर बना एंगल 120 डिग्री है और सबसे पहले आसान क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो सभी लोग मिलकर बताओ क्या ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा? क्या पता ही होगा आपको ये वाला एंगल 60 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम 180, यहाँ पर ये और इनका सम 180। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, ये 8 है, ये 6 है, ये 11 है, तो बताओ ये कितना होगा? अपोजिट साइड्स का सम हमेशा अपोजिट साइड्स के सम के बराबर, 8 और 6 है 14, तो 11, और ये इनका सम भी अपने पास 14 होना चाहिए, तो ये 3। इसका अच्छा क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कि अपने पास एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसका सर्किल जो है जिसकी चारों साइड्स को टच कर रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसका सर्किल जो है वो चारों साइड्स को टच कर रहा है इस प्रकार से। ये वाली साइड ए बी है, ये वाली साइड ए बी है, ये वाली साइड सी डी है, ए बी सी डी। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी अपने पास बराबर दिया हुआ है 30 और सी डी दिया हुआ है 10, देन फाइंड देयर एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल का एरिया या सर्किल की रेडियस हम लोगों से पूछी जा सकती है, और ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ऐसा हम लोगों को कहा है। समद्विबाहु समलम चतुर्भुज, पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूं आप लोगों को कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल में मैंने बता दिया था, ऐसा जो भी ट्रेपेजियम होगा जिसकी दो साइड तो पैरेलल हो और दो अनपैरेलल साइड्स अगर बराबर हो तो उसको समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। यहां से ध्यान रखना, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस करवाते टाइम, कभी भी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज अगर हो तो यहाँ से एल्टीट्यूड डालने पर और यहाँ से एल्टीट्यूड डालने पर ध्यान रखना, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऑलवेज इक्वल होगा इधर वाला। क्यों? क्योंकि जैसे ये अगर ए है तो ये भी ए, एल्टीट्यूड डाल दिया तो अपने पास ठीक है, दो पैरेलल साइड्स के बीच, ये लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, दो पैरेलल साइड्स के बीच पैरेलल है दोनों लाइन तभी तो ट्रेपेजियम बनेगा, ट्रेपेजियम होता ही वो है जब पैरेलल हो। तो अपने पास ये दोनों अपने पास पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस सेम होनी है, ये दोनों में एक राइट एंगल है, हाइपोटेनस दोनों का बराबर गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है और एक साइड दोनों बराबर होने के कारण पैरेलल के बीच में साइड हमेशा बराबर होती है, तो आरएचएस से कोंग्रुएंट हो गए तो कोंग्रुएंट हो गए तो बची हुई साइड भी बराबर। ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ये अगर 30 दिया हुआ है तो ये अगर 20 दिया हुआ है तो अपोजिट साइड्स का सम, ये 10 दिया हुआ है सॉरी, अपोजिट साइड्स का सम ये दिया हुआ है 10, अपोजिट साइड्स का सम 20 और 10 अगर 30 और 10 40 हो गया तो इन दोनों का सम भी 40 बचना है, तो ये अगर अपने पास 20 है तो इधर वाला ये भी अपने पास कितना होगा 20 होगा, ये 20 है तो ये भी अपने पास 20 हुआ, और यहां से आप लोग परपेंडिकुलर डाल दो इस पर, इधर भी परपेंडिकुलर डाल दीजिए और इधर भी परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये चीज़ मैं सिखा चुका हूँ आप लोगों को, टोटल यहाँ से यहाँ तक 30 था, टोटल ये अगर 30 था अपने पास, कोशिश करना समझने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अगर 30 था तो ये अगर 10 बचा तो इधर और इधर वाला बराबर होगा, टोटल 30 है 20 बचा तो ये वाला भी अपने पास 10 होगा और ये भी अपने पास 10 होगा, ऐसा आपको पता होगा। एक ही जगह से ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 है, एक ही जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है ऐसा आप लोगों को पता होगा, तो 20 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या अपने पास ये आ जाएगा, क्या 20 का स्क्वायर अपने पास हुआ 400, 400 में से 10 माइनस करोगे तो 100, तो ये बच जाएगा रूट 300, और रूट 300 का मतलब 10√3, और किसी की अगर यहाँ से यहाँ तक 10√3 है और दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये 10√3 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 10√3 होगा, और व्यास अगर 10√3 है तो रेडियस आ गई 5√3, और रेडियस आने के बाद क्या आप लोग उस सर्कल का एरिया निकाल सकते हो वो मैं आपको समझाऊंगा, पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला होता है जो होता है मेंचुरेशन में, अगला चैप्टर मैं समझाने वाला हूँ इसका। आप लोग ये जो क्वाड्रिलेटरल बना इसका चतुर्भुज, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम जो बना अपने पास इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अगला एक और पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, नेक्स्ट पॉइंट समझिए आप लोग। पहला पॉइंट, ऐसे मैं कम से कम आप लोगों को 6 या 7 पॉइंट समझाने वाला हूं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप लोग याद भी रखना।
देखिए, कोशिश करना समझने की। यहाँ पर अगला पॉइंट बी नंबर पॉइंट, ए नंबर पॉइंट मैं समझा चुका हूँ, अगला पॉइंट देखिए आप लोग, बी नंबर पॉइंट। दो सर्किल जो इक्वल रेडियस के हों या नहीं हों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दो सर्किल अगर इक्वल रेडियस के नहीं हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ध्यान रखना, तो इनसे खींची जा सकने वाली टेंजेंट्स की संख्या, जो कॉमन टेंजेंट होंगी उनकी संख्या होगी चार, यहाँ से यहाँ तक कॉमन टेंजेंट्स की जो संख्या होगी वो चार होगी, ये वाली और ये वाली। कॉमन टेंजेंट्स की जो संख्या होगी, एक ये वाली इधर से होगी और एक ये वाली इधर से होगी। ध्यान रखना, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना आप लोग सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो खींची जा सकने वाली कॉमन टेंजेंट्स की संख्या चार होगी। दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो खींची जा सकने वाली कॉमन टेंजेंट्स की जो संख्या है अपने पास, वो अपने पास होगी तीन। दो सर्किल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर जाएं, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स जो खींची जाएंगी उनकी संख्या होगी दो। एक दूसरे को अंदर से टच करें तो अपने पास एक, और एक दूसरे को इस प्रकार से टच नहीं करें तो जीरो। दो सर्किल जो एक दूसरे को ना तो टच कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनसे खींची जा सकने वाली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स की जो संख्या होगी या तो जीरो होगी या चार होगी। आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, अगर एक दूसरे को टच नहीं करें तो या तो जीरो होगी या चार होगी। और याद रखना, जो ऊपर और नीचे जो ये हैं, इनको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इनका नाम होता है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसका नाम जो है वह डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये जो है अपने पास है, इसका नाम है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ये सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, और ये जो अपने पास है ये प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, सीधी है, और ये जो अपने पास है ये प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, एक ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है, तो इनकी लेंथ निकालने का तरीका क्या होगा? बी पॉइंट में आपको पढ़ा रहा हूँ, और बी पॉइंट में इसकी लेंथ निकालने का तरीका क्या होगा और इसकी लेंथ निकालने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करना सीखने की। सबसे पहले बात आती है फॉर्मूले की, और इसका फॉर्मूला जो है अपने पास है, इसका फॉर्मूला होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का। यहां से यहां तक डायरेक्ट डिस्टेंस PQ है। इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा भी बोल सकते हैं, या अनुस्पर्श रेखा भी नाम इसी का होता है। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का जो नाम है वो तो प्रतिच्छेदी है ही, डायरेक्ट का नाम हिंदी में सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का नाम अनुस्पर्श रेखा भी होता है, ध्यान रखना आप लोग। और इसकी लेंथ निकालने का जो तरीका होता है, अगर दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस अगर डी है तो अपने पास, और इसकी रेडियस अगर R1 है और इसकी रेडियस अगर R2 है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट PQ की लेंथ निकालने का तरीका होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अगर इसकी लेंथ, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर, लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और ये जो अपने पास दूसरी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है, प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है PQ के बाद, अगर ये इधर वाली R और S जो टच करे R तथा S पर, तो RS की जो लेंथ होगी R से S तक वो होगी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। अब ध्यान देना, अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच करें, ये दोनों सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें, इस प्रकार से अगर कभी भी हो, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का जो तरीका होता है, ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स R1 प्लस R2। दो सर्किल एक दूसरे को अगर टच करें जिनकी रेडियस R1 और R2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो होता है वो, ध्यान रखना, अपने पास होता है R1 प्लस R2।
अगर बाहर से टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स होता है आर वन प्लस आर टू, और अंदर से अगर टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो होता है वो होता है आर वन माइनस आर टू। अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करें तो आर वन प्लस आर टू, अंदर से टच करें तो आर वन माइनस आर टू होता है। तो ध्यान रखना, आप लोग अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ यहाँ पूछे तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, यहाँ पर आप लोग दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस डी की वैल्यू यहाँ पर आर वन प्लस आर टू रखोगे, और इसकी वैल्यू रखोगे आप लोग आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, और सोल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा टू रूट आर वन आर टू। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ ये है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ ये है। कैसे आया वो तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग याद रखना, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है टू रूट आर वन आर टू, और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी और पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं होती, इसलिए उसका आंसर आएगा जीरो। ये आप लोग याद रखना। ये आया कैसे मैं समझाता हूँ, देखिए एकदम आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। किस प्रकार से आया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, और दोनों पॉइंट समझाऊंगा। क्लासेज में हम लोग कई बार ये कर देते हैं कि एक मैं समझा देता हूँ, एक आप करो पहले फिर मैं समझाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दोनों ही समझा देता हूँ, मुझे नहीं पता लगेगा कि आपने किया या नहीं किया, इसलिए दोनों ही समझा देता हूँ। देखिए आया कैसे वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए हमेशा। ये इसका जो यहाँ से यहाँ तक आर वन है, इसकी रेडियस जो है वो यहाँ से यहाँ तक है आर टू, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स डी है, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये है पी क्यू। इसको प्रूव करने के लिए, इसकी लेंथ मान लो पी क्यू की लेंथ एल है, एल हमें प्रूव करना है, या पी क्यू ही मान लो, पी क्यू की लेंथ या एल मान लो, आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ से इस पर जितना आर टू है इतना ही यहाँ से यहाँ तक इस पर परपेंडिकुलर खींचिए। ये आर टू है तो ये ऊपर वाला आर टू यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ से यहाँ तक आर वन था, ऊपर वाला अगर R2 है तो नीचे वाला ये यहाँ से यहाँ तक जो बचा ये बचा R1 माइनस R2। ये जो कोण है ये अपने पास 90 डिग्री होगा, ये कोण 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच 90, ये 90, ये परपेंडिकुलर हमने खुद ने डाला है तो ये 90, तो PQ की लेंथ अगर L है तो ये भी L। और पाइथागोरस थ्योरम से हमें तो L का मान निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से मुझे ये बताइए क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि L स्क्वायर बराबर D स्क्वायर माइनस ये जो लेंथ है R1 माइनस R2 की स्क्वायर, यही अपना आंसर है। L का रूट हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो इधर जाके रूट हो जाएगा, ये अपना आंसर है। अगला पॉइंट फिर समझते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट कैसे आया दूसरा, पहला मैं समझा चुका हूँ, दूसरा पॉइंट कैसे करोगे, हर चीज़ का क्यों तो मैं आपको बताता ही हूँ, हो सकता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम लग जाए, लेकिन वो तो वीडियो की लेंथ हम लोग धीरे धीरे जैसे आपका थोड़ा सा इंक्रीज कर ही रहे हैं। देखिए ये इस प्रकार से है, यहाँ से इसकी रेडियस मान लीजिए आर वन है और इसकी रेडियस R2 है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बाद हम लोग ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट सीख रहे हैं। ये इसकी जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक R1 है, ये R मान लो, ये S मान लो, और इसकी रेडियस R2 है, ये R1 है अपने पास और ये R2 है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, दोनों सेंटर्स का आप लोग सेंटर्स मान सकते हो, इसको O1 मान लो, इसको O2 मान लो, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स D है, ऐसे ध्यान रखना क्वेश्चन में गिवन होगा, दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, ध्यान रखना आप लोग। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जितना ये R2 है उतना ही इसको पीछे बढ़ाएंगे, जो कंस्ट्रक्शन करना है वो मैं रेड से कर रहा हूँ, इस प्रकार से जितना R2 है उतना ही उसको पीछे बढ़ाएंगे, R2 के बराबर इसको पीछे बढ़ाया और इसको इससे मिला दिया, तो ये अपने पास पैरेललोग्राम बन गया, ये R2 है ये R2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स अगर D है तो ये भी अपने पास D होगा। कुछ लोगों को लगेगा कि सर पैरेललोग्राम कैसे बन गया, ध्यान रखना ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री, तो ये रेडियस और ये रेडियस दोनों के दोनों पैरेलल हैं, तो आगे बढ़ाने पर ये भी पैरेलल होगा, पैरेलल भी और बराबर भी, तो पैरेललोग्राम ये रेडियस और ये रेडियस, क्योंकि एक ही लाइन पर बना कोण अगर 90 डिग्री है तो दोनों लाइन पैरेलल, तो पीछे बढ़ाने पर ये दोनों बराबर भी होगी पैरेलल भी होगी, तो पैरेललोग्राम। एक बार आपको समझाने के लिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको हटा देता हूँ बीच वाले को, ताकि ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि डी जो था डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स वो यहाँ पर आ गया। और अब मुझे बताइए आर एस की अगर लेंथ आपको निकालनी है,
इसकी अगर आपको लेंथ निकालनी है तो 90 डिग्री के सामने डी है, ये आर वन प्लस आर टू है, तो आर एस की जो लेंथ आएगी आर एस स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग लिख सकते हो डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर। रूट हटाओगे उधर कैसे गया, ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी मेंस 2011 में, अब 2017 में सॉरी अब की बार आया है। 11 मेंस में तो कैसे क्वेश्चन आते थे पता है, 11 मेंस में तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, 11 और 12 में तो एकदम आसान आसान क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। जैसे अपने पास ये लिखा हुआ हो, ये इसकी रेडियस 9 है, इसकी रेडियस 4 है, तो बताओ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये होगी टू रूट ए बी, नौ गुना चार 36 गुना दो, अपने पास आंसर आ गया 12। फिर बोला कि इस पर अगर पी क्यू भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, पी क्यू भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 144। तो उस टाइम तो आसान आसान क्वेश्चन आते थे। अब की बार 17 मेंस में जो एक क्वेश्चन आया था वो किस प्रकार से आया था देखो मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। बी पॉइंट के दो पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाए और इसके क्वेश्चंस किस प्रकार से आए थे वो मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। 64 के लगभग क्वेश्चंस थे ज्योमेट्री के और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जैसे मैं आपको थ्योरी पढ़ा दूँ मेंस में आए हुए क्वेश्चन सारे आपसे खुद से होने चाहिए। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन है, मैं आपके लिए फिर बोल देता हूँ, पहले डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम भी दिया हुआ था, जिसने मेंस के क्वेश्चंस देखे हैं उसको ये पता होगा। दो सर्किल जिसकी रेडियस 4 है, मैं लिखने के बजाय क्वेश्चन का डायग्राम बनाकर और फिर वैसे ही समझा देता हूं। इस प्रकार से है, थोड़ा बड़ा बन गया, जिनकी रेडियस जो है वो 4, इक्वल रेडियस के दो सर्किल हैं, यहां से यहां तक रेडियस 4 है और इसको यहां पर परपेंडिकुलर ये अपने पास इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है, ये अपने पास R, S, ये जहाँ टच कर रहा है वो S है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ये क्वेश्चन था, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है दी गई आकृति में दो समान वृत्त जिनकी 4 सेंटीमीटर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों वृत्तों के केंद्र A तथा B हैं, आर क्यू वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है तो आर क्यू की लंबाई क्या होगी। आर क्यू अगर एक स्पर्श रेखा है, आर क्यू अगर एक स्पर्श रेखा है तो आर क्यू की लंबाई क्या होगी अगर इसकी रेडियस दी हुई है 4 और एस इसके टेंजेंट। इन द गिवन फिगर, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, इन द गिवन फिगर टू आइडेंटिकल सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर, ए एंड बी आर द सेंटर ऑफ द टू सर्किल, इफ आर क्यू इज द टेंजेंट ऑफ सर्किल देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर क्यू। देखो ये टेंजेंट का क्वेश्चन था, टेंजेंट पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक 12 है तो ये अपने पास होगा 4, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस 4 है तो ये भी 4, ये यहाँ से 4 4 और 4 अपने पास आ गया 12 और ये 4, 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 में से 16 माइनस करोगे तो 128 और 128 को हम लोग 8√2 लिख सकते हैं। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है यहाँ पर, 4 4 4 12, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16 माइनस करोगे तो 128 और 128 को 64√2 यानी 8√2 लिख सकते हैं। ये कोण 90 डिग्री है, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, पी क्यू की लेंथ हमें चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं ये कोण अपने पास कॉमन के सामने वाली साइड 4 है। सिमिलरिटी लगा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा चुका हूँ ट्रायंगल आप लोगों को, सिमिलरिटी लगा रहा हूँ, समरूपता लगा रहा हूँ, इसके सामने 4 और इसके सामने ये है पी क्यू। ये जो अपने पास कॉमन था यहाँ से यहाँ तक, ये जो अपने पास कॉमन है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉमन है, तो इस कॉमन के सामने 8√2 और बड़े वाले में कॉमन के सामने ये अपने पास दिया हुआ है 16 इस प्रकार से, तो ये इससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा दो बार और √2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यू की लेंथ आ जाएगी 4√2 और ये अपना आंसर है। एक क्वेश्चन मैं और समझा देता हूँ आप लोगों को इसी पर आया हुआ क्वेश्चन टेंजेंट पर, उसको हम लोग कर लेते हैं, देखिए कैसे। ये बुकलेट जो हैं वो आप लोगों को मिलेंगी, कैसे मिलेंगी मैं बताऊंगा, अभी सस्पेंस है, अभी तो आप लोगों को बताया जाएगा, अभी इस पर नहीं घबराना आप लोग। दो सर्किल जिनके अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है इस प्रकार से, देखिए
एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर की तरफ दो सर्किल हैं। एक तो ये है और दूसरा सर्किल ये है। इसकी जो रेडियस हम लोगों को दी हुई है, रेडियस गिवन है, एक की रेडियस है 12 और एक की रेडियस है 3। एक की रेडियस जो यहां से यहां तक, ये तो है 12, और दूसरे की रेडियस है 3। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ना तो कोई एंगल दिया है ना कुछ और दिया है, और हम लोगों को तो ये अपने पास ऑप्शन जो हैं इस क्वेश्चन के वो इस प्रकार से 1386, बी ऑप्शन जो है 1344, सी ऑप्शन है 1526 और डी ऑप्शन है 1024। ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन करने की, क्योंकि सोल्व आपको खुद को करना है। हिंट दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए और उसके बाद आप लोग सोल्व करना क्वेश्चन को। हिंट क्या दे रहा हूँ, मैं लगभग सोल्व ही कर रहा हूँ, लास्ट में कैलकुलेशन करनी है सिर्फ आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से सोल्व कर देता हूँ मैं आपके लिए। इसको अगर इससे मिला दें तो हमेशा ध्यान रखना, एक बात सभी लोग हमेशा ध्यान रखना कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर जो होता है, ये इसका कोण समद्विभाजक है। एंगल बाइसेक्टर इसलिए है क्योंकि ये जो यहाँ से लाइन खींचोगे एंगल को बाइसेक्ट करने वाली, वो इसके सेंटर को भी मिलेगी और इसके सेंटर को भी मिलेगी। क्यों, एक ही लाइन क्यों मिलती है, ये लाइन अलग और ये लाइन थोड़ी सी नीचे से या इधर से शुरुआत क्यों नहीं होती, मैं आपको समझा देता हूँ। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट मुझसे क्लास में भी पूछते हैं, इसलिए मैं आपको भी बता देता हूँ। ध्यान देना, छोटे वाले सर्किल के लिए ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो टेंजेंट से यहाँ से सेंटर को मिलाएं तो ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर और ये रेडियस इसके बराबर और बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर, तो सर्वांगसम हो जाएंगे। ऐसे बड़े वाले सर्किल के लिए भी ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो सेंटर को मिलाते ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा और किसी भी एंगल का बाइसेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन हो सकती है। अब मैं समझाता हूँ, ये 12 और 3 दिया हुआ था, ये एंगल 90 डिग्री, एक एंगल कॉमन होने के कारण बराबर, एक 90 डिग्री होने के कारण बराबर। तो अपने पास उससे पहले आप लोग ये भी समझ लो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का तरीका, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालने का तरीका 12 गुना 3 36, 2 रूट ए बी, मैं समझा चुका हूँ। 36 गुना 2 ये आ जाएगा 12। ऐसे यहाँ से यहाँ तक, इधर भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट होगा ये अपने पास आ जाएगा 12। अगर ये साइड 3 है, ये साइड 12 है, छोटे वाला ट्रायंगल, इसको नाम दे दो पी या ए बी सी नाम दे दो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऐसे लिख देना। तो यहाँ से अपने पास सी ओ वन ये वाला एंगल, इसको नाम दे दो पी, इसको नाम दे दो क्यू। सी ओ वन पी और सी ओ टू क्यू दोनों सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे तो 3/12। इसको अगर एक बार अक्स मानो या पी सी मान लो या अक्स मान लो तो बराबर होगा अक्स अपॉन अक्स प्लस 12। यहाँ से सोल्व करोगे तो अक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। अक्स की वैल्यू 4 आ गई है, टेंजेंट बराबर होते हैं, ये 4 है तो ये भी 4। ऑप्शन हटा देता हूँ मैं यहाँ से ना, ये अपने पास 4 आ गया, ये 12 है, इसको यहाँ से यहाँ पर मिलाओगे तो ये रेडियस 12 है तो ये भी 12 होना है, और ये रेडियस 12 है तो ये भी 12 होना है। इसको आप लोग मान लो y है, 2√ab, ये 12 लाने के लिए मैं बता चुका हूँ। क्या पाइथागोरस थ्योरम से अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12 12 और 4 मतलब 28 का स्क्वायर बराबर 28 का स्क्वायर प्लस 12 प्लस वाई का स्क्वायर। देखो हम लोग लिख सकते हैं 28 का स्क्वायर प्लस 12 प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 16 प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ से आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो कट जाएगा, वाई की वैल्यू निकाल लेना, हाइट भी आ जाएगी, बेस आपके पास पहले से है, बेस और हाइट अगर दोनों आपके पास हैं तो आप लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूँ उसको देखते आप लोग करने की कोशिश किया करो ताकि आपको थोड़ा सा सही और ज़्यादा समझ में आए। दो पॉइंट मैं समझा चुका हूँ, इसके 6 या 7 पॉइंट हैं। आज की क्लास में एक और पॉइंट हम लोग समझते हैं और अगला पॉइंट फिर कल की क्लास में हम लोग समझेंगे। एक पॉइंट मैं आपको और समझाता हूँ, देखिए मैंने कहा कंप्लीट सर्किल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सर्किल में कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा, ऐसी थ्योरम नहीं बचेगा जो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पाऊँ, सभी कंप्लीट थ्योरी हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट मैं अब आप लोगों को समझाता हूँ, या सी पॉइंट, ए बी सी नाम दे रहे हैं इसको। सी पॉइंट में वही टेंजेंट पर बेस्ड ही हम लोग चल रहे हैं। ध्यान रखना, एक अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो, दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को,
ये यहाँ से यहाँ तक R1 है और ये अपने पास रेडियस R2 है और एक तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट और एक डायरेक्ट। पहले ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट A के लिए, फिर आप लोगों के लिए करूँगा मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात। तो यहाँ से यहाँ तक अपने पास इसको मिला दीजिए, ये इसका सेंटर मान लो O1 है, इसका सेंटर मान लीजिए O2 है, ये हम लोगों को मिला है C1 पर और यहाँ से इसको मिला दीजिए आप लोग C2 पर इधर, ये रेडियस तो R2 है और इधर ये मिला दीजिए आप लोग C2 पर जहाँ पर टच कर रहा है वो पॉइंट C2 मान लो। मुझे ये बताइए रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण जो होता है वो तो होता है 90 डिग्री रेडियस व टेंजेंट के बीच, और वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल, ये पॉइंट अगर P है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल O1 C1 P और O2 C2 P दोनों सिमिलर हो गए तो अपने पास O1 P अपॉन O2 P का रेशियो वही होगा जो अपने पास रेशियो है O1 C1 अपॉन O2 C2 मतलब रेडियस का, और वही होगा जो रेशियो है P C1 अपॉन P C2 का। ये ज़्यादा काम का अपने है नहीं इसलिए हम लोग इसको देते हैं, और यही आप लोगों के लिए काम का है कि दो अगर दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट उसी रेशियो में डिवाइड करती है, उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजाएं हैं। ये आप लोग याद रखना, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसके साथ एक पॉइंट और दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आता हुआ आप लोग गलत कर दोगे। देखो ध्यान देना, ये तो था अपने पास डायरेक्ट कॉमन ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर अपने पास है, कोशिश करना समझने की, अगर कभी भी अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, दो सर्किल अपने पास ये और ये, डायरेक्ट अपने पास कॉमन टेंजेंट दोनों सेंटर्स ये हैं, एक O1 मान लो और एक O2 मान लो, तो यहाँ से आप लोग ये PQ है। मुझे बताइए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को क्या कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है क्या? आप लोग बोलोगे सर नहीं कर रही। इसको आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट वहाँ जो नाम दिए थे वही दे दो C2 और इसको नाम दे दीजिए C1। आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट P पर अगर मिले तो यहाँ से इसको मिलाओगे तो रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री और रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री। यहाँ से अपने पास ये एंगल कॉमन है, एक एंगल 90 डिग्री होने के कारण बराबर, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं छोटे वाले की साइड P यहाँ से यहाँ तक पी ओ टू या पी ओ वन अपॉन पी ओ टू या ओ वन पी, पिछली बार जैसे लिखा था वैसे लिख रहा हूँ, ओ टू पी बराबर होगा ओ वन सी वन अपॉन ओ टू सी टू, क्या पिछली बार, और बराबर होगा पी सी वन अपॉन पी सी टू, लेकिन ये अपने ज़्यादा काम का है नहीं इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। क्या जो पिछली बार पढ़ाया था वही है क्या कि दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में रेडियस है। जो पिछला रेशियो था वही रेशियो ये है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आप लोग समझ लीजिए, एक छोटा सा पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका समझिए। देखो मैं फटाफट बनाता हूँ थोड़ा सा जल्दी। यहाँ पर इस प्रकार से जब भी है, ये दो सर्किल हैं, एक ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है, दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को O1 O2, ये O1 C1 है और ये O2 C2 है, तो ध्यान रखना O1 C1 अपॉन O2 C2, और ये पॉइंट P अगर है तो वही होता है जो O1 P अपॉन O2 P। दूसरा एक पॉइंट मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट अगर कॉमन टेंजेंट कभी हुई तो दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को वो बाहर कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पर, ये ओ वन ओ टू, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ये ध्यान रखना, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन गलत मत कर देना। ओ वन पी अपॉन ओ टू पी बराबर ओ वन सी वन अपॉन ओ टू सी टू, दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक पॉइंट जो आप लोगों को नहीं पता वो ये नहीं, भूल जाते हो, पता तो है लेकिन भूल जाते हो, वो ये है कि अगर ए बी को मिलाने वाला लाइन, ए बी को मिलाने वाली लाइन के अंदर कोई पॉइंट सी है, ये रेशियो 3:2 है, तो आप लोग बोल देते हो 3:2 है, 99% ये अंदर की तरफ पॉइंट ही होता है, लेकिन अगर ए से बी की तरफ बाहर की तरफ भी कोई पॉइंट है सी, तो ये अगर इसको 7 और ये यहाँ से यहाँ तक 2 है तो सी इसको 7:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, लेकिन ये बाहर की तरफ बहुत कम आता है, ए बी लाइन सेगमेंट ये है, तो इसके साथ हमें ब्रैकेट लगा कर लिखना पड़ता है, बाह्य अनुपात है, एक्सटर्नल रेशियो है।
ध्यान रखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 99% अंदर की तरफ ही रेशियो आता है किसी भी लाइन के, तो उसके साथ ब्रैकेट लगाकर हम लोगों ने लिखना छोड़ दिया है कि अंतःअनुपात या इंटरनल रेशियो। लेकिन मुझे बताइए क्या दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के बीच में कहीं पर है या बाहर की तरफ है? आप बोलोगे सर बाहर की तरफ है, तो इसके साथ आपकी मजबूरी है, यहाँ कुछ नहीं लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, गलत नहीं है। लेकिन जब बाहर की तरफ हो तो इसके साथ आप लोगों को लगाना पड़ेगा बाह्य अनुपात है, एक्सटर्नल रेशियो है, ये आप लोगों को लिखना ही लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। आया हुआ क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दो सर्किल एक दूसरे जिनकी रेडियस 5 और 2 है, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, बताओ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में बांटेगी? तो रेशियो तो ध्यान रखना 5:2 ही होगा, लेकिन दो ऑप्शन में एक में मिलेगा अंतःअनुपात और एक में मिलेगा रेशियो 5:2 बाह्य अनुपात। तो रेशियो तो वही होता है रेडियस वाला, लेकिन इसके साथ लगता है अंतःअनुपात और इसके साथ लगता है बाह्य अनुपात, एक्सटर्नल रेशियो, ये आप लोग गलत मत कर देना। तो 3 पॉइंट मैंने पढ़ाए और आगे की जो क्लास होगी वो अगले क्लास कर लेता हूँ मैं, 3 या 4 पॉइंट जो बचे हुए हैं सर्किल के उसमें कंप्लीट करेंगे, वो कल की क्लास में मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको वीडियो सही लगा तो आप लोग इसको शेयर करते रहिए और स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा पहुँचाइए। ऐसे नहीं सोचिए कि मैं अकेला पढ़ लेता हूँ, ये अच्छा मैच है मैं अकेला पढ़ लूँगा, ये थोड़ा सा मतलब ऐसी सोच नहीं रखो आप, जितनी ब्रॉड सोच होगी उतनी ज़्यादा ठीक होगी। तो थोड़ा अच्छा सोचिए, दूसरों लोगों को भी हेल्प मिले उनके लिए वीडियो शेयर कीजिए। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, थैंक यू।